और मेष से शुरुआत करेंगे। हाँ देखिए, आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। मेष राशि के जातकों को आज मानसिक तौर पर नैतिक शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा भी लेनी चाहिए। केवल तभी सर्वांगीण विकास संभव है। याद रखें कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, इसलिए निवेश के लिए अच्छा दिन है और स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को नियंत्रित और संयमित खाने पीने में रखें, लेकिन उचित सलाह से ही, अपने वरिष्ठजनों की सलाह से ही निवेश करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आज सामने आने वाली चुनौतियों को शांत मन से सॉल्व करने की कोशिश करें। कई दिनों से गाड़ी खरीदने में आ रही पैसे की समस्या भी आज खत्म हो सकती है। हालांकि आज अपने वॉलेट को समय समय पर आप चेक करते रहें, वरना कहीं मिसप्लेस हो सकता है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोग। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से बचें, निवेश करने में काफी सावधानी बरतें। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपका बहुत ठीक ठाक रहेगा। पुराने रुके हुए काम आज पूरे आपके हो सकते हैं, साथ ही नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ठीक रहेगा। व्यापारी वर्ग को आज अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है। आज आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तु यानी टीवी आदि खरीदने का प्लान बना सकते हैं। वहीं बात करते हैं अब सिंह राशि वाले लोगों। आज तंग हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। अपने जीवन साथी के साथ अपनी गोपनीय जानकारी बांटने से पहले सोच जरूर लें। अगर मुमकिन हो तो इससे बचें, क्योंकि इन बातों के बाहर फैलने का खतरा लगता है। अपने संबंधों में यथार्थवादी बनने की कोशिश करें। और अब इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज कोई करीबी आपके विचारों को जीवन साथी के प्रति विचलित कर सकता है। बेहतर होगा आप दूसरों की राय को नजरअंदाज कर दें। परिवार में समय अधिक देने से पारिवारिक जीवन आनंदमय हो जाए। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हों और आपको सुकून दें। आज आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे का प्रबंधन न करने दें, नहीं तो जल्दी ही आप अपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएं। और आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको करियर से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि आज काम ज्यादा होने की वजह से थोड़ी थकान रहेगी, लेकिन शाम को बच्चों के साथ टाइम बिताने से थकान से राहत महसूस करें। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज ज्यादातर चीजें आपके मन के मुताबिक रहेंगी, खर्चों में इजाफा रहेगा, लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर दे। लोगों के साथ ठीक तरह से पेश आए, खास तौर पर उनके साथ जो आपसे प्यार करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं। आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है।
और वहीं बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों। आज किस्मत आपके साथ रहेगी, सफलता जरूर हासिल होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स आज करियर में कुछ सकारात्मक बदलाव करेंगे। इसके लिए माइंड में आए नए विचार आपको सहारा दे सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं कुंभ राशि के लिए। आज कुंभ राशि के लोगों को मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफा पर जरूर से ज्यादा वक्त न खर्च करना चाहिए। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार न करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ किसी आयोजन में शिरकत करें। यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच समझ करके कोई भी काम करें। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके बहुत बढ़िया रहेगा। इस राशि के वकीलों के लिए आज का दिन बेहतरीन है। आज को बड़ा केस मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत ठीक है। यह है आज का हमारा अपना राशि जी।